हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन में लोकेशन को कैसे चलाएं। कई बार हम लोग कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को उस जगह का जानकारी नहीं होने के कारण हम लोगों को किसी दूसरे लोगों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी उसको पूछ पूछ कर जाना पड़ता है। और यदि हम कहीं एग्ज़ाम के लिए जाते हैं दोस्तों, तो हमारी एग्ज़ाम भी इसके चलते छूट जाती है, क्योंकि लोग हमको कभी सही रास्ता बताते हैं, कभी गलत रास्ता बताते हैं। जब दोस्तों हम लोगों को गलत रास्ता बताया जाता है, तो हम लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तब तक एग्ज़ाम की टाइम भी हो जाती है और हम लोग सही ढंग से एग्ज़ाम को अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से लोकेशन का यूज कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पर हम लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे भी और समझेंगे भी। तो फाइनली आ चुके हैं दोस्तों हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ आने के बाद हम लोगों को एक ऐप की आवश्यकता होगी, जिसका नाम है मैप्स। ये ऐप सभी कंपनियों के मोबाइल में पहले से ही उपलब्ध है दोस्तों, और यदि किसी मोबाइल में उपलब्ध न हो तो आप लोग सिंपली इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे ही प्ले स्टोर ऐप को ओपन किया दोस्तों, अब हम लोगों को सर्च बार में टाइप करना है MAPS मैप्स। तो हम लोग मैप्स को टाइप कर लिए हैं दोस्तों। अब हम लोग सबसे नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इसको क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने मैप ऐप ओपन हो जाता है। अब हम लोग जहाँ चार नंबर में गूगल मैप लिखा हुआ है दोस्तों, सिंपली इसी को आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपडेट और ओपन का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि एक्चुअली मैं डाउनलोड कर रखा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए यहां ओपन का ऑप्शन आ चुका है। यदि आप लोगों का डाउनलोड नहीं रहेगा दोस्तों, तो यहां आप लोगों को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग आप यहीं से इस ऐप को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो ओपन करने के लिए ओपन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही ओपन को क्लिक किया दोस्तों, तो हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो गया। अब आप लोग जहां सबसे ऊपर सर्च हेयर लिखा हुआ दोस्तों, यहां पर आप लोगों को टाइप करना है कि आप लोग किस जगह जाना चाह रहे हैं, कहां आप लोगों को जाना है। तो हम लोग यहां पर एग्जांपल के लिए मैं जामताड़ा सर्च कर रहा हूं दोस्तों, मुझे जामताड़ा जाना है। तो जामताड़ा जाने के लिए हम लोग सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोगों को जामताड़ा टाइप करना है। तो हम लोग जामताड़ा टाइप कर चुके हैं दोस्तों। अब सबसे नीचे जहां सर्च वाला ऑप्शन है, वहां पर हम लोगों को सर्च कर देना है। तो जैसे इसको सर्च करते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब यहां आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा मैप ओपन हो चुका है। अब सबसे नीचे जहाँ डायरेक्शन का ऑप्शन है दोस्तों, वहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। अब हम लोगों से यहां पूछ रहा है कि आप फोर व्हीलर से जाना चाहते हैं, या टू व्हीलर से जाना चाहते हैं, या फिर बस से जाना चाहते हैं, या फिर पैदल जाना चाहते हैं। तो हम लोग टू व्हीलर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे दोस्तों, क्योंकि टू व्हीलर सभी तरह की रास्ता में जा सकती है और फोर व्हीलर के लिए स्पेशल रास्ता चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल के लिए टू व्हीलर को ही सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों। तो टू व्हीलर को सेलेक्ट करने के लिए टू व्हीलर पर क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद अब हम लोग जहां सबसे नीचे स्टार्ट वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों, वहां पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इसको क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने अब इस तरह का इंटरफेस खुल के आ चुका है। इसके बाद मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कि यहां जहां एरो वाला निशान दिखाई दे रहा है, जहां आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों,
इसको आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा दोस्तों कि ये ऑप्शन इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले शो सैटेलाइट मैप जहाँ पर दिखाया दे रहा है दोस्तों, इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और ये ऑन हो गया दोस्तों। इसको ऑन करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि हमारे मैप में चाहे वो छोटे शहर हो, चाहे वो छोटे गाँव हो, चाहे बड़े गाँव हो, सभी तरह के यहाँ पर शो होने लगते हैं। और यदि इसको आप ऑफ रखते हैं दोस्तों तो सिर्फ बड़ा शहर यहाँ आपका मैप में शो करेगा, छोटा विलेज हो गया या शहर हो गया आप लोगों का शो नहीं करेगा, इसलिए उसको ऑन करना ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को और एक सेटिंग करने के लिए बताऊंगा दोस्तों, जो वो भी इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग मैप के द्वारा कहीं जाते हैं दोस्तों तो मैप के माध्यम से हम लोगों को बताया जाता है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज को आप सेटिंग करते हैं तो आपको इंग्लिश में बताया जाएगा, अगर आप हिंदी को सेटिंग करते हैं तो हिंदी में बताएगा कि किस रास्ता से कहां पर दाएं मुड़ना है, कहां पर बाएं मुड़ना है, ये आपको 100 मीटर के पहले ही बता दिया जाएगा। तो इसको सेटिंग करने के लिए फिर से वही ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक करना है दोस्तों, जहाँ एरो का निशान दिखाई दे रहा है, जहाँ मैंने तीर का निशान दिखा रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे आएंगे दोस्तों, जहाँ सेटिंग का बटन है वहाँ पर क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर लिखा हुआ है वॉयस सेलेक्शन, यहाँ पर मैंने हिंदी को सेलेक्ट करके रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को टच करना है। आप लोग किसी भी लैंग्वेज को सेटिंग कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, जो भी आपको पसंद है दोस्तों वही लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। तो फाइनली मैं हिंदी को सेलेक्ट किया हूँ दोस्तों, अब हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम लोग बैक आ जाते हैं। अब बैक आने के बाद हम लोगों को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैं इस वक्त खोड़ासारो मेरा गांव का नाम है जहां से मैं अभी वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो मैं यहां से जामतरा जाऊंगा, तो इसके लिए मेरा यहां सब लोकेशन बता रहा है दोस्तों कि यहां से 22 किलोमीटर यानी 22 किलोमीटर है, और 2:06 में अगर मैं इस समय यहां से निकलता हूं तो 2:06 में मैं जामतरा पहुँच जाऊँगा। और अभी आप लोग मोबाइल में देख सकते हैं दोस्तों कि 1:28 हो रही है। तो फाइनली अब हम लोग यहां से चलना शुरू करेंगे दोस्तों। तो अब हम लोग लोकेशन को चालू करेंगे। तो लोकेशन को चालू करने के लिए यहां तीर जहां पर निशान दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां पर क्लिक करना है और रिस सेंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रिस सेंटर पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अब हम लोग जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे तो वैसे वैसे एक यहाँ आप लोगों को तीर का निशान दिखाई देता होगा दोस्तों, ये तीर का निशान चलते जाएगा। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये तीर भी वैसे चलते जाएगा, और ये जहाँ पर ब्लू कलर का आपको रास्ता दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसी रास्ता से हम लोग जामतरा जाने वाले हैं। तो जैसे ही चलते गए दोस्तों, हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जहाँ पर टाइप किए हैं, जहाँ पर हम लोगों को जाना है वहाँ का लोकेशन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जामतरा पर वहाँ रेड कलर का लोकेशन वाला ऑप्शन है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसी जगह जाने वाले हैं। अगर जामतरा में किसी जगह का नाम आप लोग अगर फील करते हैं दोस्तों, कोई जगह आपको जाना है, कोई शोरूम जाना है, या फिर किसी भी जगह कोई मॉल जाना है, कहीं भी आप लोगों को जाना है, तो आप लोग जामतरा के बाद टाइप कर दीजिएगा कि हमको इस जगह जाना है। तो आप लोग लिख दीजिएगा जामतरा मॉल, कौन मॉल जाना है उस मॉल का नाम यदि आप लोगों को पता है तो नाम दे दीजिएगा, या फिर कोई ऑफिस जाना चाहते हैं उस ऑफिस का नाम लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली आप सीधे ऑफिस ही पहुँच जाएंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम सेंटर जाना चाहते हैं दोस्तों, तो एग्ज़ाम सेंटर में आप लोगों का एडमिट कार्ड में पहले से ही लिखा हुआ रहता है सेंटर का नाम, तो सिंपली आप लोग उसी सेंटर का नाम को यहां पर टाइप कीजिएगा दोस्तों, और इस लोकेशन पर आप लोग चलना शुरू कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल सही जगह पर पहुंच जाइएगा एग्ज़ाम के पहले। अब यहां से हम लोग होम स्क्रीन पर वापस चले जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद मैं आप लोगों को और एक सेटिंग के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, कि यदि आप किसी जगह पर जाना चाह रहे हैं और उस जगह का अगर यदि आपको नाम नहीं पता है, नहीं जानकारी है, तो आप उस जगह पर कैसे जा सकते हैं। तो अब हम लोग होम स्क्रीन पर वापस आ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोगों को फिर से उसी ऐप को दोबारा ओपन करना है।
तो मैप वाले ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही इसको ओपन किया दोस्तों, हम लोग फिर से लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। आप सबसे पहले जहां आप लोगों को तीर का निशान दिखाई दे रहा है दोस्तों, वहां पर एक सिंबल बना हुआ है, सिंपली आप लोगों को उसी पर क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक किया दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी अभी मैं जिस जगह पे हूं उस जगह का लोकेशन बता देता है। तो जैसे आप लोग यहां देख सकते हैं दोस्तों कि अभी जहाँ से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इस जगह का नाम है खोड़ासारो। तो अभी मैं इस जगह पर हूँ दोस्तों, अब मुझे इसी लोकेशन पर इसी मैप पर खोजना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए इस जगह को मैं लेता हूँ दोस्तों, मुझे ये जगह पर जाना है। तो अब तो यहाँ कुछ नाम भी लिखा हुआ नहीं दोस्तों, मुझे जानकारी भी नहीं है किधर से रास्ता है, किधर से जाना पड़ेगा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो इस अवस्था में आप लोग कैसे करेंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों, और जैसे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस किए हैं तो आप लोग देख सकते हैं लोकेशन वाला लोगो यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। अब जिस जगह को मैंने चॉइस किया दोस्तों, उस जगह का नाम आप लोग देख सकते हैं यहाँ सबसे नीचे जहाँ गूगल लिखा है दोस्तों, उसके नीचे नियर बरमुंडी, यानी जिस जगह को मैंने चॉइस किया हूँ दोस्तों, जहाँ पर मैं जाना चाह रहा हूँ, उस जगह का नाम बरमुंडी है। अब किधर से होके जाना पड़ेगा, मुझे तो रास्ता के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम लोग डायरेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही डायरेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो सिंपली हम लोग उसी प्रोसेस पर फिर से आ जाएंगे जो मैंने आप लोगों को पहले बताया है। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा टाइम भी दिखा रहा है कि 7 मिनट वहाँ पहुँचने में हमें टाइम लगेगा, और 2.1 यानी 2 किलोमीटर यहाँ से दूरी बता रहा है। तो अब मुझे जाना है दोस्तों, तो मुझे अब जाने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करना है, जहाँ पर स्टार्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक किया दोस्तों, तो अब हम लोगों के सामने इस तरह का ऑप्शन आ गया। अब जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे दोस्तों, एक तीर का निशान भी उसी तरह चलते जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ बरमुंडी, इस जगह पर बरमुंडी का लोकेशन लगा हुआ है, यहीं पर हम लोगों को जाना है। ये ज़्यादा दूरी नहीं है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा दूरी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ बहुत नज़दीक में है, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए नज़दीक के ही ऑप्शन को सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से यदि आप लोग किसी जगह का नाम नहीं जानते हो दोस्तों, और आप लोग वहाँ जाना चाह रहे हो, तो इस तरह से आप लोग उस जगह पर पहुँच सकते हैं। तो इसी तरह हम अपने मोबाइल फ़ोन से मैप के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाया हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करते हुए अल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।